प्यारे बच्चों, जब अमजद ने देखा कि उसकी अम्मी एक गमला जिसमें मोतिये का पौधा है हाथ में लेकर खड़ी है तो उसे बड़ा अफसोस हुआ और वो मायूस हुआ। उसका सारा जोश ठंडा हो गया क्योंकि उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो चाहता था कि उसकी अम्मी उसके लिए अच्छे से अच्छे खिलौने लेकर आए। उसने अम्मी से कहा, अम्मी मैं इस गमले का क्या करूं? ये गंदा सा पौधा है, मिट्टी है, मैं क्या इसके साथ खेलूंगा कि ये मेरे साथ खेलेगा? लेकिन उसने अम्मी से कोई बहस ना की और जाकर सो गया। उसकी अम्मी ने उससे कहा कि बेटा, अभी तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब इस पर फूल खिलेंगे तो ये तुम्हें भला मालूम होगा, अच्छा मालूम होगा। एक रोज की बात है कि अमजद सुबह सवेरे जब मस्जिद से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में एक अजीब सी महक महसूस हो रही है और वो खुशबू को नाक चढ़ा चढ़ा कर सूंघने लगा गौर से कि ऐसी भीनी भीनी खुशबू, अच्छी सी खुशबू कहाँ से आ रही है। अचानक उसकी नज़र उस गमले पर पड़ी जो उसकी अम्मी उसके लिए ले आई थी। उस गमले में जो है फूल खिले हुए थे और लपक कर वहाँ गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे यह खुशबू बड़ी अच्छी महसूस हो रही थी। उसकी अम्मी आई और कहा, देखा मैंने कहा था ना बेटा कि जब इसकी खुशबू फैलेंगी, फूल खिलेंगे और खुशबू पूरे घर में फैलेंगी तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। अमजद ने आंखें खोली, अब उसकी आंखों से जो है गमले के लिए प्यार झलक रहा था। उसने होले से हल्के हाथों से फूलों को छुआ और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। अम्मी ने उसे एक और गमला ला के दे दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ किया करता था, उनको पानी देने का काम करता था और उनकी देखरेख करता था। वो अब उसका ज्यादातर वक्त घर ही पर गुजरने लगा। अब उसने बाहर जाना बंद कर दिया और अपने गमलों की और पौधों की देखभाल करने लगा। एक रोज स्कूल में क्या हुआ बच्चों के, मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय अब कोई किताबें ना लाए कल के रोज, और ऐसी चीजें लाए जो घर पर मशगले के तौर पर करते हैं। मशगला उस काम को कहा जाता है बच्चों, जो बच्चे शौक से घर पर कोई काम करते हैं उसे मशगला कहा जाता है। हो सकता है आप लोग भी बहुत सारे ऐसे काम करते होंगे। कुछ बच्चे टिकट जमा करते हैं, कुछ बच्चे तस्वीरें बनाते हैं, कुछ बच्चे तस्वीरों को जमा करते हैं, कुछ बच्चे परिंदों के परों को जमा करते हैं। ये मशगला होता है। ये ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हो गया कि मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, अब मैं कल क्या लेकर आऊंगा। अब वो घर लौट रहा था तो खामोश खामोश था, चुप चुप था कि अब मैं क्या ले जाऊं।